अस्सलाम वालेकुम, ये इस वक्त मौजूद है डस्का स्टेडियम, कंस्ट्रक्शन हुई है नई 3 से 4, सोचा आपके साथ अपडेट कर दूँ। ग्रीन ही हो गया सारा तकरीबन, ज़बरदस्त किस्म का। ये बैरियर्स वगैरह लग रहे हैं, अब ये मज़ीद लगेंगे। दो चीज़ें, तीसरी चीज़ यहाँ पे जनरेटर के सोलर भी मौजूद हो गई है। चार चीज़ें हैं जी, लाइटें सारी मेरा ख्याल है कि सारी ऑपरेशनल हो गई हैं। एक ये है, दो और ये, तीन और ये, चार पेंट हो गया सीढ़ियों में। चौथी चीज़, पांचवी चीज़ है ये दीवार बन गई है। ये हमारे आप सब भी आए हुए हैं, सब मेरे से तशरीफ़ लाए हैं डस्का। ये हाफिज़ वलीद साहब हैं, आप सब क्या हाल है? शुक्र माशाल्लाह माशाल्लाह। चार चीज़, पांचवी चीज़ जो अपडेट है वो इन्होंने दीवार गेट लगा दी इन्होंने। बाकी मैं आपको मुझे जो फ्रंट से दिखाता हूँ वहाँ पे भी उन्होंने अच्छी किस्म का जो है वो गेट लगा दिया, और पार्किंग वगैरह बाहर रख दिया। वो जिनते गाड़ी वगैरह टी एन ए से निकलता है, तो उसमें टी एन ए का सामान काफ़ी यहाँ पड़ा था। सीढ़ी हैं, ये पिच को ठीक करने के लिए, ये मेन पिच है। ये साथ वो पता नहीं क्या पड़ा होगा, ये वाइट कलर का। ये फजर के बाद आए हैं यहाँ पे, फुटबॉल के कुछ दोस्त आए हुए हैं, क्रिकेट के कुछ दोस्त आए हुए हैं। ये फोर पॉइंट है, ये भाई क्रिकेट खेल रहे हैं कुछ दोस्त। और ये जो नई चीज़ है, ये गेट लग गया यहाँ पे, पहले गेट नहीं था। ये खिलाड़ियों के लिए रूम्स बने हुए हैं, रूम्स में जो एसी की फैसिलिटी है वो भी इन्होंने दी हुई है। ये सबसे अच्छा काम लोगों ये हुआ कि पार्किंग बाहर हो गई है, मैंने हर बंदा स्टेडियम के अंदर बाइक लेके जा रहा था। ये गाड़ी आई है इंपोर्टेड, 4 से 5, 1, 2 और 3, 4, 5, 6, ये मेरा गाड़ी नहीं आई हुई है। ये यहाँ पे झूले वगैरह से झूले ने उतार दिए, झूले उतारने के बाद ये सिर्फ जो से ना वो बैठने के लिए रह गई है। ये कुछ रूम से अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, मेन गेट के साथ। कुछ रूम बड़े फर्निश्ड किस्म के जो है ना बन गए हैं, एसी वगैरह हमने बड़ा जबरदस्त किस्म के सिस्टम है। अभी सुबह का टाइम है तो नहीं दिखा सकते, बंद है वो। ये जो मेन गेट है, यहाँ से गाड़ी वगैरह स्टॉप करके सिर्फ बाइक या तक आपको अंदर आ सकते हैं, वरना यहाँ पे ड्राइविंग के लिए बड़ी गाड़ियाँ आती थी। ये हम बाहर निकल गए हैं, हम एक दोस्त एक है उसके जाने के साथ ऐसा कुछ हो गया।